रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट वर्दा शुएब एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ रिवायतों की लज्जत। नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंसान का मूड बदल देती हैं। उनमें से सबसे अव्वल नंबर पे और आती है और बेहतरीन चीज़ जो होती है वो है खाना। अगर आपका मूड चाहे जैसा भी हो, चाहे गुस्सा आ रहा हो, चिड़चिड़ापन हो, आप लो फील कर रहे हो, अगर आपके सामने आपका मनपसंद खाना या फिर लजीज खुशबूदार खाना जो है वो आपके सामने पेश कर दिया जाए तो मिनटों में हमारा मूड चेंज हो जाता है। और वैसे भी एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि दिल का रास्ता जो है वो पेट से होके जाता है। ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, ये औरतों के लिए भी ख़ास तौर पर ये बात कही जाती है, क्योंकि खाने का हर कोई शौकीन होता है। तो इसलिए हम लेके आते हैं आपके लिए नित नई और मज़ेदार सी रेसिपीज़, ताकि आप अपनी फैमिली का जो है वो मूड बदल सकें। अगर कोई नाराज़ है, कोई गुस्से में है, कोई चिड़चिड़ा हो रहा है, तो बआसानी आप उनका मूड सही कर सकें और इन्जॉय कर सकें अपनी फैमिली के साथ हमारी रेसिपीज़। तो जनाब, आज जो गेस्ट हैं हमारी, जिनको मैंने इन्वाइट किया है अपने शो में, वो बना रही हैं कुछ अफ़गानी खाना। अब वो क्या बना रही हैं, डिटेल हम उन्हीं से पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करती हूँ आयाना को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आयाना, तो ये तो मुझे पता है कि आप अफ़गानी खाना बना रही हैं, लेकिन आप क्या बना रही हैं? मैं आज बना रही हूँ फैमिली की रेसिपी, अफ़गानी पुलाव। अफ़गानी पुलाव? अफ़गानी पुलाव ये अक्सर जो है रेस्टोरेंट्स में काबुली पुलाव की तरह होता है, लेकिन ये फैमिली रेसिपी है, तो इसके अंदर ये मेरी नानी से, उनसे पर नानी से पास डाउन होते हुए आई है। क्योंकि हमारी फैमिली जो है पेशावर और अफगान से रिलेटेड, अफगान साइड से, तो यानी कि हमें आज अफगानी पुलाव की ऑथेंटिक रेसिपी मिल रही है। बिल्कुल, ऑब्वियसली बात है, हम घर के अंदर अलग तरीके से पकाते हैं, रेस्टोरेंट्स में अलग तरीके से बनता है, तो आज मैं अपनी रेसिपी बताऊँ। अच्छा, रेस्टोरेंट्स में क्यों डिफरेंट टेस्ट आता है, क्या यानी कि डिफरेंस क्या होता है? कोई इन्ग्रीडियंट्स का फ़र्क होता है या बनाने का तरीका अलग होता है? क्या उनका है? उनका बनाने का तरीका भी अलग होता है। अक्सर चिकन की पुलाव नहीं प्रेफर किया जाता है, वो मटन की होती है, क्योंकि उसका जो जायका आता है जब वो दम पे बनता है या प्रेशर कुकर पे बनता है, वो बिल्कुल अलग आता है। अगर आप यहाँ पे बना रहे हैं और घर पे बना रहे हैं ख़ास तौर पे, और इतने सारे अलग अलग किस्म के मसाले वो लोग यूज़ करते हैं ताकि एक अच्छा सा डिश बने, वो तो है ही है, लेकिन कम मसालों के अंदर जायकेदार बन सके, यखनी टाइप का बनाना, वो भी एक अलग मजे बात है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे आ जाइए, काउंटर संभाल लीजिए आप, और मैं यहाँ खड़े होके जो है वो हेल्प करूँगी आयाना की। अच्छा, आप चिकन में बना रही हैं? बिल्कुल, मैं चिकन में बना रही हूँ और मैं यूज़ कर रही हूँ सिंपल इन्ग्रीडियंट्स। अक्सर क्या किया जाता है कि पहले फ्राई कर दिया जाता है चिकन को, हम यहाँ पे पहले चिकन को फ्राई नहीं करेंगे। आप यखनी बनाएंगे? पहले यखनी में बनाएंगे हम लोग। अच्छा। तो ये बेसिकली हाफ कप है, हाफ कप से थोड़ा सा कम आपने ऑयल लेना है और उस हिसाब से आपने अनियंस को फ्राई करना है। मेन इसका जो तरीका है वो अनियंस का ही है, डिपेंड करता है ऑयल भी आप कितना ले रहे हैं, हर चीज़ का जो है डिपेंडेंसी है कि आप किस तरीके से, जैसे चावल अगर आपने ज़्यादा लिए हैं उस हिसाब से प्याज ज़्यादा होंगे। आज आप जो रेशो यूज़ कर रही हैं मुझे उस हिसाब से बताइए कि कितनी चिकन ले रही हैं आप और कितने राइस लिए हैं आपने? बिल्कुल, तो मैं यूज़ कर रही हूँ एक कप चावल और उसको मैंने ऑलरेडी भिगो के रखा था। एक कप है या ग्लास है या कप? जो चाय का कप होता है, जो चाय का कप होता है, ये तो हमने यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से किया है बाकायदा। अगर आप मेजरमेंट के से करें बेहतरीन है, नहीं तो एक चाय का कप भी ले सकते हैं, अपना रेशियो आप रख सकते हैं। सही। तो हम लोग वन कप वो यूज़ कर रहे हैं, नमक भीगे हुए राइस, ये ऑलरेडी भीगे हुए हैं और वो पानी एब्जॉर्ब कर चुके हैं, पानी एब्जॉर्ब कर चुके हैं। इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे क्योंकि फ्रायर में डालेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे प्याज, इसको आपने बहुत छोटे नहीं काटने हैं, लंबे लंबे स्लाइसिस काटने हैं, और ये लंबे स्लाइसेस आपने यूज करना है, एक पूरा प्याज, बड़ा प्याज, एक लार्ज साइज, एक लार्ज साइज का प्याज। और चिकन कितनी ली है आपने? चिकन हमने यूज किया है हाफ किलो से कम, तकरीबन आई बिलीव 1-1.5 पाव, तो ये है आराम से, ठीक है। और ये मैंने लिया है बोनलेस। अच्छा, मैं यही सवाल करने वाली थी आपसे कि अच्छा, यूजली जब हम अफ़गानी पुलाव बनाते हैं, या जिससे हम आपका अफ़गानी पुलाव जो होता है, या फिर इसे कुछ और भी कहा जाता है, यूजली काबली पुलाव भी कहा जाता है, तो इसमें कहते हैं यूजली कि यखनी बनानी चाहिए और आप बोन वाली चिकन यूज़ करें, या फिर अगर आप मटन में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल, आपने बोनलेस क्यों यूज़ किया? मैंने बोनलेस इस वजह से यूज़ किया क्योंकि हमने कप का चावलों का रेशियो कम रखा है, बाकी सब चीज़ों का भी रेशियो कम रखा है, और बोनलेस का जो यखनी अलग बनती है उस
उसकी न्यूट्रिशन अलग होती है। आपके जो बोन्स के साथ बनती है वो प्योर यखनी बनती है और उसको आप प्रेशर कुकर के फ्लेवर भी ज़्यादा आता है। अगर आप चाहें तो बोन वाली यूज़ करें, उसमें थोड़ा सा और टाइम लगता है लेकिन वो भी दम की होती है। और अगर और भी बेहतरीन काबुली पुलाव बनाना है स्टार्ट भी कर तो मटन दैट इज द बेस्ट। इट्स अप टू यू, अगर चाहें तो आप बोन वाली भी यूज़ कर सकते हैं, आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं अगर जल्दी आपने कुकिंग करनी है तो। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक लार्ज साइज़ की जो है वो प्याज ली है इन्होंने, कि हमारे पास टाइम की कमी होती है, हम कोशिश करते हैं कि जल्द से आपको जल्द से जल्द बनाना सिखा दें, तो हम रेशो थोड़ा सा कम रखते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे चावल का रेशो कम है तो इसे चिकन भी जो है वो इन्होंने कम इस्तेमाल की है। ठीक है जनाब। और सबसे ईजिएस्ट ये है, इस वजह से मैंने ये कम चीज़ें यूज़ की हैं बिकॉज ये सबसे क्विकेस्ट कुक होता है। हम यहाँ पे प्याज ब्राउन करेंगे, बिल्कुल हम ब्राउन करेंगे और जैसे ही हल्का सा रंग आ जाएगा हमने थोड़ा सा नमक हसबे जायका इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, वो मैं साथ साथ आपको बताते जाऊँगी। लेकिन इसके साथ एक थोड़ा सा चेंज है जो साथ में आपने करना होता है दूसरी वाली हंडी के अंदर, ये है चीनी। अच्छा, और चीनी को हमने क्या किया, 2 चम्मच चीनी ली, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और उसको बिल्कुल मेल्ट कर दिया। अच्छा, यानी कि आपने शुगर सिरप बेसिकली आपने शुगर सिरप टाइप की आप बना रहे हैं, क्योंकि इसमें वो नहीं है, तार वाली नहीं है, बिल्कुल जस्ट आपने चीनी को जो है पानी में डिसॉल्व कर लेना है, थोड़ा सा पकाना है जब तक बबलिंग स्टार्ट हो जाए। जी, ये थोड़ी सी गाढ़ी है या नहीं? आई थिंक ये गाढ़ी नहीं है, मैं चेक कर रही हूं। ये इसमें थोड़ा सा पानी, बिल्कुल पानी है, आपको ज्यादा गाढ़ा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा ज्यादा आप पानी डालेंगे उस हिसाब से। ये हम करेंगे जब आप दम पे रखेंगे चिकन को, तो हम दूसरी हड्डी के अंदर इसको कैरेट्स को रेजन्स को कैरमलाइज करेंगे। तो वो इस वजह से मैं पहले बता रही हूँ क्योंकि उसको सबसे पहले करके रखिएगा, क्योंकि उसमें 15 मिनट लगातार आपका लगता है। यानी कि आप ये वाला काम जो है, यानी कि आपने जो शुगर सिरप बनाना है, जी, कि आपने देखा होगा कि काबली पुलाव में जो है वो या तो आप डायरेक्ट शुगर में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा शुगर जल ना जाए एहतियाती तौर पे आप उसको पानी के साथ डिसॉल्व करके भी जो है वो उसमें थोड़ा सा स्टर फ्राई कर सकते हैं। उसको बस ये होता है कि कंटिन्यूसली करना होता है, आप एक सेकंड के लिए फोन भी नहीं चेक कर सकते। अच्छा जी, प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। जी सही, चलें अब क्या करेंगे हम? अब हम डाल रहे हैं थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये सब पिंच डाल रहे हैं हम, साबुत गरम मसाला डाल रहे हैं पिंच, और मैं थोड़ा सा जीरा ज्यादा डालूंगी, आपके ऊपर है अगर आपको जीरा ज़्यादा डालना है, उसका जायका बहुत अच्छा आता है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपका पूरा फैमिली जो बैकग्राउंड है वो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता है। जी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अफगानिस्तान का जो नेशनल फूड है, यानी कि कौमी आप कह सकते हैं कि वो क्या है, अफगानी पुलाव ही है, कुछ और है, काबली पुलाव है? नहीं, वो असल में होता है मटन की बिरयानी। अफगानिस्तान में मटन की बिरयानी एंड मटन के ही स्टेक्स बनते हैं। आप साथ करती रहे वरना खाना जल्दी। बिल्कुल नहीं, ये अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर हाफ, जस्ट अ पिंच, एंड थोड़ा सा जीरा पाउडर भी मैं डाल रही हूँ। अच्छा, आपने जीरा अलग डाला है और जीरा पाउडर भी अलग डाला है, बहुत थोड़ा डाला है, बिल्कुल बराए नाम, थोड़ी सी काली मिर्च बराए नाम, बिल्कुल बराए। अच्छा, इतनी कम चीज़ें क्वांटिटी में डाल रही हैं, इतनी कम ही जाती हैं बिल्कुल, इससे ज़्यादा नहीं। आपको अगर बढ़ाना हो, बहुत ज़्यादा करना हो तो वो कर सकते हैं। अप टू कब तक, कहाँ तक? जैसे मैंने तो नोट करा है कि आप जिस क्वार्टर टी स्पून से क्वार्टर, बिल्कुल, अगर आप पिंच डाल रहे हैं, पिंच डाल रही हैं, अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप पूरा हाफ तक डाल सकते हैं। अच्छा, हाफ टी स्पून तक आप जा सकते हैं, उसके ऊपर मत जाइएगा वरना खाने का टेस्ट जो है वो टेस्ट अलग हो जाएगा, अनटिल अनलेस आपकी क्वान्टिटी ज़्यादा हो, अगेन वो ही उसी पर आ जाते हैं। चलें जनाब, अच्छा अभी क्या करेंगे इसमें मुझे बता दीजिए, ताकि ब्रेक का टाइम हो गया, हमें बिल्कुल अभी ब्राउन हो गई, बिल्कुल प्याज ब्राउन हो गए, अब हमने डालने चावल। अच्छा, चिकन नहीं डालेंगे? नहीं, इसमें चिकन नहीं डालेंगे। आप देखिए रेसिपी नोट डाउन करें, तरीका चेंज है बनाने का। बिल्कुल। अच्छा, ये चावल जो है वो सोख हुए हुए हैं। जी, और इसको अब आप एज इज जो है वो एज इट इज में डाल दूंगी। ठीक है, प्याज ब्राउन होने के बाद फौरन आपने चावल ऐड कर देने हैं। जी ओके, अभी कुछ करेंगे हम इसमें? थोड़ा सा करेंगे, लेकिन आप आराम से अपना ब्रेक पे जा सकती हैं। तो जनाब, जब तक आयाना जो है वो इसमें चावल डाल रही हैं और कुछ मिक्सिंग करेंगी, लेकिन इस वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, तो जल्दी से जाइए और फटाफट से वापस आते हैं एक ब्रेक से, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस। Welcome
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत और यहाँ पे अयाना बना रही है उनकी जनरेशन टू जनरेशन चले आने वाली रेसिपी जो कि है काबुली पुलाव या फिर अफगानी पुलाव भी आप कह सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने इसमें चावल ऐड किए थे प्याज ब्राउन करके और उसके बाद एक कप पानी आपने ऐड किया। उसके बाद मैंने एक कप पानी ऐड किया और अब थोड़ा सा और पानी हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि मैंने चिकन डाल दिया है अंदर। चिकन पहले फ्राई नहीं करेंगे उसके बाद डालेंगे, इस वजह से बोनलेस यूज़ करें या बोन यूज़ करें, यखनी के लिए चिकन बाद में डलती है। अच्छा, आप ये नोट कर लीजिए कि चिकन जो है वो चावल डालने के बाद डाली है, चिकन को फ्राई नहीं किया है। बिल्कुल, इसको आप बिल्कुल अगर आप चाहें आलू भी डाल सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें भी डाल सकते हैं, बट सिर्फ चिकन के अंदर। और अब इसको हम रखेंगे दम पे 15 से 20 मिनट के लिए। उसी में पानी के अंदर चावल जैसे जैसे सूखता जाएगा चावल की गर्माइश से चिकन पकेगी, चिकन गल जाएगी और थोड़ा सा पानी भी है तो चिकन तो वैसे भी जल्दी भाप पे गल जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपने कुछ लहसुन अदरक यूज नहीं किया, आपने इसको स्टर फ्राई भी नहीं किया चिकन को, तो इसमें चिकन की स्मेल या कोई हीट नहीं आएगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि चिकन को आप जैसे क्लीन करते हैं, क्लीन करते साथ ही उसको आपने एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए पानी में भिगो देना है। उसको अच्छी तरीके से धोएंगे, अच्छा इतना धोएंगे कि जब आप धोते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा सा वाइट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो ऑलरेडी पार्ट बॉइल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आते हैं सिरप की तरफ जो हम बनाएंगे। सिरप ऑलरेडी क्योंकि मैं बना चुकी थी, चीनी का है सिरप, तो वो हम दूसरे बना चुके थे। अभी हम इसमें आपको पैन यूज़ करना है? नहीं, ये वाला बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, सॉसेस, ओके सॉस। अच्छा, इसमें आप जो है ये, अच्छा कैरेट्स आपने यूज़ करी हैं यहाँ? कैरेट्स एंड किशमिश। अच्छा अच्छा, कैरेट्स आपने बहुत ज़्यादा उससे करीनी है, लाइक पीलर से आपने उसको थिनली स्लाइस कर लिया है। थिनली स्लाइस किया, और किशमिश आप डार्क वाली किशमिश लें, लाइट ब्राउन लें, डार्क वाले में जायका ज़्यादा आता है, रंग ज़्यादा आता है। इसमें आपने लेना है 2 चमचे का शुगर का और थोड़ा सा 1 चमचे का पानी, तो थोड़ा सा ही हम डालेंगे क्योंकि ये मैंने ज़्यादा बनाया था। अच्छा, तो ये थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा हीट अप होता है, तो हम फिर गाजर को एंड किशमिश को ऐड करके सॉटे टाइप कर देंगे जब तक गाजर थोड़ा सा और बॉयल हो जाएगा। अच्छा, वैसे अगर इन्होंने गाजर बहुत थिनली स्लाइस किया है, अगर आपने थोड़ा सा मोटा गाजर रखा है तो वो आप पहले कर लीजिए। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा क्रंच रहता है ना हमेशा, यानी कि बिल्कुल सॉगी नहीं होना चाहिए गाजर, बिल्कुल सॉगी नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहो तो आप उसको कर सकते हो ज़्यादा, लेकिन वो फिर मज़ा नहीं आता, वो उसको थोड़ा सा क्रंच हो, तो वो जब आप उसको गार्निश करेंगे, गार्निश करेंगे पुलाव के ऊपर, तो वो एक खट्टा मीठा टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि नमक और ये सारे जितने भी मसाले हैं उसकी वजह से जायका ज़्यादा बैलेंस कर देगी, बैलेंस कर देगी। सही, तो हम जनाब हम बना रहे हैं अफगानी पुलाव। अफगानिस्तान में ये फेमस है, लेकिन मुझे आयना ने बताया कि वहाँ का नेशनल फूड ये नहीं है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादातर मटन की बिरयानी खाई जाती है। मटन की बिरयानी खाई। आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान का नेशनल फूड क्या है आयाना? नहीं, एक्चुअली आई डोंट नो। बिरयानी? हाँ, यस एग्जैक्टली। वैसे अगर आप गूगल पे सर्च करें तो वो निहारी आता है, बिकॉज लाहौर में बहुत ज़्यादा निहारी का ट्रेंड है, कराची में भी बहुत है, यहाँ पे निहारी के शौकीन बेतहाशा हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर गूगल को हम ना देखें और अगर हम खुद से सोचें तो मेरे ख्याल से बिरयानी है नेशनल फूड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि बिरयानी के आगे आप कुछ भी रख दें, तमाम खाने जो है वो फीके हैं, बिरयानी आखिर बिरयानी है, बिरयानी कराची की बिरयानी हो तो ही वो बिरयानी है। बिल्कुल, तभी तो मैंने बोला आई रियली डोंट नो, क्योंकि सबका जायका अलग होता है, हर घर का नेशनल फूड अलग होता है। हम लोग मल्टी कल्चर्ड हैं तो उसके अंदर एवरी वन हैज़ देयर ओन। अच्छा, बस दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, वैसे आपकी अगर हाफ फैमिली जो है पेशावर से है, आप अफगानिस्तान से है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ आपके खाने मिलते ही होंगे, ज़्यादा अलग तो नहीं होंगे? ज़्यादा अलग नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे मैंने बताया मेरे फादर जो है अरेबिक थे, सऊदी अरेबिया से। ही वाज़ प्योरली अरेबिक? ही वाज़ प्योरली सऊदी, ओह फ्रॉम दहरान, सो ही वॉज़ अ प्योर प्योर सऊदी। तो उनका भी बिरयानी टाइप के पुलाव के चावल और हम मदर साइड के पुलाव के चावल, दे ऑल मैच्ड। मेरे हस्बैंड की भी फैमिली, दे ऑल फ्रॉम पेशावर, और उनके भी पुलाव के चावल। अच्छा जी, अब आप दिखाएंगे प्लीज़? मैं देखना चाहूँगी कैमरे में, प्लीज़ इनको फोकस करें, दिखाएं। बिल्कुल, यहाँ से जो है ये फ्राई कर रही हैं, अब आप कर रही हैं बेसिकली। बिल्कुल, अब आप ये देखें कि गाजर जो है अपना रंग छोड़ रहा है, ऑलरेडी ब्राउनिश सा फील आ रहा है, और वैसे भी शुगर को जब आप कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा स्टिकीनेस और ब्राउनिश में आ जाता है, गाढ़ी भी हो जाएगी, क्योंकि आपने थोड़ा सा ही लिया है। बिल्कुल, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। इस वक्त स्टूडियो में इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है पुलाव की जी, बहुत ही ज़बरदस्त, और आई गेस ये पकना भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है।
अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम इसमें यहाँ पे आगे? अच्छा, इसको जो है थोड़ा सा और मैं सॉटे कर रही हूँ, और मैं चूल्हा थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ उसको थोड़ा सा और ज़्यादा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि फिर वो शुगर जो है बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा सब्रो तहम्मुल का जी, स्लो फ्लेम पे और आहिस्ता आहिस्ता करके वो सॉटे करना है। परफेक्ट। आप देखें गाजर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, हम उसको मैं आपको एक बोल देती हूँ जिसमें इसको जो है वो निकाल सकते हैं। बिल्कुल, मैं इसे प्लेटर भी होकर नीचे आई अगर चाहें तो आप इस बोल में निकाल लीजिए इसको। There you go. Perfect. Yeah. ठीक, तो अब हम लोग इसको डालेंगे लास्ट में, इसको जैसे हमने गार्निशिंग के लिए, ये सिर्फ गार्निश के लिए यूज़ करना है। अच्छा, हल्का सा सिरप रह भी गया, बिल्कुल ड्राई नहीं किया है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, इतना हो कि थोड़ा सा सिरप रहे तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा अयाना, आप मुझे बताएं आपके घर में आपके हाथ की कौन सी रेसिपी फेमस है, आप क्या बहुत अच्छा बनाती हैं जो कि फरमाइश कर करके लोग बनवाएं? ऑनेस्टली पुलाव, यही अच्छा वाली पुलाव, दिस इज़ माई बेस्ट पुलाव। घर के ऊपर चिकन कढ़ाई और सब हम लोग सारे जायके इस्तेमाल होते हैं, हर घर में हर रोज़ कुछ ना कुछ पक रहा होता है, लेकिन पुलाव एक ऐसी चीज़ है जो मैं डेली लाइफ में हर दफ़ा कर सकती हूँ। उसके ब्राउन चावल, इसमें थोड़े से और मटन के ब्राउन चावल, पुलाव इज़ द बेस्ट। हम लोग घर पर ज़्यादातर पुलाव बनाते हैं। अच्छा, कैन यू स्पीक अरबिक? नो नो, हाउ कम? बिकॉज़ योर फादर इज़ आपके पापा जो है फादर जो है प्योरली ही इज़ फ्रॉम सऊदी, आई एम फ्रॉम सऊदी। मैं आई लिव्ड इन सऊदी अरेबिया इन द बिगिनिंग व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, अराउंड लाइक टिल 5 इयर्स ओल्ड आई वाज देयर, देन माई फादर पास्ड अवे, तो वो वी वर नॉट एज मच कनेक्टेड। आई यूज टू स्पीक फ्लुएंटली अरबिक, फ्लुएंटली आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रीड एंड ऑब्वियसली कुरान शरीफ है माशाल्लाह से, वी कैन रीड, वी कैन अंडरस्टैंड एंड ट्रांसलेट, बट वो जो फ्लुएंसी होती है एक चीज़ की, माशाल्लाह आप कुरान पाक को समझ सकते हैं, यही बहुत बड़ी बात है जनाब। अच्छा जी, पुलाव भी यहाँ पे जो है वो पक रहा है, इस वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, झटपट से जाइए और छोटी सी ब्रेक लेके वापस आइए, देखते रहिए रिवायतों की लज्जत। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और मज़ेदार सा काबली पुलाव जो है वो रेडी हो गया है जी। कितनी क्विक बनाए देखिए आप, और ये देखें क्या खुशबू है। अच्छा, कलर भी एग्जैक्टली वैसे ही आया है, बिल्कुल ब्राउन आया है, बिकॉज प्याज की वजह से ब्राउन आता है, ऑयल क्योंकि हमने थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया था कंपेरेटिवली, और चिकन पूरी गल चुकी है चावलों के अंदर, और अब हम जो है इसी के अंदर गार्निश करेंगे। अच्छा, इसी में मिक्स कर, इसी में मिक्स करेंगे बिकॉज वो थोड़ा सा जो उसका फ्लेवर है, फ्लेवर जो है वो उसमें जाएगी। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि इसमें चावल कोई स्पेशल टाइप के आपको यूज़ करने हैं, कोई खास चावल अगर आप जैसे प्रेफर करते हैं कि बासमती या सेला या फिर कोई भी चावल आप बासमती राइस में कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे, बिल्कुल डिश आउट करेंगे। वाओ, अगर आप चाहो उस पे और भी गार्निश कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर अच्छा ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं? अब बिल्कुल डालते हैं, आप इसको अलग से सौते करके डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं। मैं चिलगोजे कहना चाह रही हूँ, चिलगोजे कह नहीं रही, अगर चिलगोजे कहा तो नहीं नहीं बिल्कुल डाल सकते हैं, किसी भी मिक्स नट्स डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ये तो इवन चिलगोजे जो है वो आजकल कहेंगे चिलगोजे खरीदे तो आप गोल का कुछ खरीद लो। हाँ, वो है एक्सपेंसिव, वाकई में वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव हो गए। एक वक्त था मुझे याद है कि जब बचपन में हमारे घरों में जो है वो चिलगोजे भरे पड़े होते थे, बिल्कुल हम उसको इतनी अहमियत नहीं देते थे, और अब चिलगोजे जो है वो इतनी अहमियत हो गई है उनकी कि आप कहते हैं कि यार ये गोल्ड से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। बिल्कुल वाकई में, इसके अंदर जो असल में जो नट्स और वो उसका तरीका ये होता है कि या तो आप फुल मुर्गी लें, जैसे ये बड़ी, इससे भी बड़ी कढ़ाई लें और फुल मुर्गी लेके उसको फिलिंग कर दें नट्स की पेस्ट की। थोड़ा सा अरबिक तरीका मैं बता रही हूँ, उसमें ऐसे ही आपने गार्निश करना है। थैंक यू। तो गार्निश करना है उसको, और उसके अंदर आपने मिक्स कर देना है स्वीट पेस्ट, और आप उसका, इसका एक अलग तरीका होता है, उसमें लॉट्स ऑफ नट्स मिक्स कर सकते हैं, उसके अंदर आप मिर्च मसाला भी डाल सकते हैं, मसाला वाला भी बना सकते हैं, या तो अगर आपको ऐसे स्वीटिश थोड़ा सा पसंद है तो उस टाइप का भी आप नट्स का पूरा बना के पेस्ट डाल के उसको, अप टू यू, आप जैसे चाहे अराउंड चावल हैं, और इसमें थोड़े से जो है वो रेजिंस भी गार्निश कर सकते हैं ऊपर से जी, right? जी
बहुत जबरदस्त है, बहुत यम्मी लग रहा है। और जब तक जो है हम इसको एंजॉय करते हैं, देखते हैं, हमें कुछ बातें करती हूँ इनसे, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रीक्याप। अफगानी पुलाव बनाने की तरकीब। अज्जा चिकन 500 ग्राम, कटी हुई प्याज एक अदर, तेल आधा कप, किशमिश हसबे ज़रूरत, नमक हसबे जायका, चीनी 2 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चुटकी, धनिया पाउडर 1 चुटकी, ज़ीरा पाउडर 1 चुटकी। तरकीब। अफगानी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तेल गरम करके उसमें प्याज शामिल करें और प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लें। इसके बाद चावल को इसी बर्तन में डाल लें। इसके बाद इसमें किशमिश, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाल लें और अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें चिकन शामिल करें और दम पे रख दें। जब अच्छे से चावल गल जाएं, तो इसमें शीरे के साथ मिक्स किए हुए गाजर और किशमिश ऐड करें। अच्छी तरह मिक्स करें और गरम गरम सर्व करें। जी जनाब, आई एम श्योर आपने रेसिपी कार्ड जो है वो नोट डाउन कर लिया होगा, एंड यू मस्ट नोट डाउन इट, क्योंकि इन्होंने इतना ज़बरदस्त पुलाव बनाया है, अफगानी पुलाव बनाया है। जब आप लोग रेसिपी कार्ड नोट कर रहे थे तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग कर रही थी और बहुत ज़बरदस्त बनाए, बहुत यम्मी है, एंड एग्जैक्टली वही फ्लेवर आया है। और देखिए, अक्सर लोग जब देखते हैं तो कहेंगे यार इसमें तो कोई मसाले ही नहीं डले, फिर फ्लेवर भर भर के डालो। गरम मसाला नहीं डाला जी, तो हमने इसमें धनिया नहीं डाला, हल्दी नहीं डाली, कुछ नहीं डाला, तो मसाले का फ्लेवर कैसे आएगा। बट सीरियसली यू मस्ट ट्राई एट योर होम, आप इसको टेस्ट करिए, वही फ्लेवर आया है, इसीलिए आया है क्योंकि इसमें मसाले बिल्कुल कम इस्तेमाल हुए हैं, बिल्कुल कम हुए। तो जनाब, मुझे तो बहुत ही मजे की लगी आपकी रेसिपी, एंड थैंक यू सो मच अयाना, आपने इतनी डिलीशियस रेसिपी, आपकी जो खानदानी चली आ रही है, आपने हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू। और मैं आपसे भी कहूँगी कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी आज की रेसिपी, आई एम श्योर आपके घर वालों को पसंद आएगी। और फिर आपने अपना फीडबैक देके बताना भी है हमें कि क्या आप जीत पाए अपने घर वालों का दिल, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कसर बाकी है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में वो पूरी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे फिर एक नए एपिसोड में। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।